हाय गाइस, आई एम नीतू निगम। वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनुअल एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस पेपर क्लास 22-23 के लिए। क्लास थर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट से है, एक सीबीएसई स्कूल के क्वेश्चंस पेपर है। तो चलिए देखते हैं इसे। आपसे निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके अवश्य बताएँ। साथ ही हमें यह भी बताएँ कि आपके बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं क्या, एनुअल एग्ज़ाम, या भी होने वाले हैं। ये हमारे बच्चे के एनुअल एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, टिक द करेक्ट आंसर। विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ फाइल टैब, न्यू, सेव, कट। नंबर टू, ओपन कमांड इज यूज टू ओपन। ओपन कमांड को यूज़ करने के ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ओपन कमांड is used to open computer, printer या file. Number 3, in TuxPaint, ready-made pictures are available under tools. TuxPaint में ready-made pictures कौन से टूल में अवेलेबल होते हैं? Paint, Stamp या Save. Stamp, Stamp या Save में. Number 4, a website is a collection to related. एक website collection किससे related होता है? Web page से या book से. नंबर 5, देयर आर स्क्रॉल बार इन वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में कितने स्क्रॉल बार होते हैं? 2, 3 या 4। क्वेश्चन नंबर बी, राइट टी ट्रू और एफ फॉल्स इन द बॉक्स। नंबर 1, अ वर्ड प्रोसेसर अलाउड टू करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर। एक वर्ड प्रोसेसर हमें स्पेलिंग और ग्रामर को करेक्ट करने की अनुमति देता है, ट्रू है या फॉल्स है, लिखना है। 2, द इनसर्टेन पॉइंट मीन्स वी कैन मूव टू नेक्स्ट लाइन। इनसर्टेन पॉइंट का मतलब होता है हम नेक्स्ट लाइन पर मूव कर सकते हैं। नंबर 3, TuxPaint इज ए पेड सॉफ्टवेयर। TuxPaint एक पेड सॉफ्टवेयर है। 4, गूगल इज ए सर्च इंजन। गूगल एक सर्च इंजन है। नंबर 5, एंटर की इज यूज टू इंसर्ट ए न्यू पेज इन योर डॉक्यूमेंट। एंटर की का यूज हमें अपने डॉक्यूमेंट के न्यू पेज में जाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। यहाँ 1 से 5 तक नंबर दिए गए हैं, इधर ए से ई तक, इसे हमें मैच करना है। TuxPaint, एंटरटेनमेंट, मूवीज, ड्राइंग प्रोग्राम, टाइटल बार, वेयर वी टाइप टेक्स्ट। 4, इनसर्टेन पॉइंट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। एंड 5, रूलर सो विड्थ एंड मार्जिन, इसे हमें मैच करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ। नंबर डी, fill in the blanks. Number 1, the quick access toolbar is used to provide dash program. Quick access toolbar हमें provide करता है कौन से program में? Number 2, to open file click on the button. Number 3, TuxPaint is a drawing program with dash effect. 4, internet is used to send and dash message using email facility. And 5th, dash is a part of website. Number 5, answer the following in sort. इन क्वेश्चनों के हमें आंसर शॉर्ट में देना है। शॉर्ट मीन्स यहाँ पर हम वन सेंटेंस या दो चार वर्ड्स में हम इसके आंसर दे सकते हैं। नंबर 1, गिव नेम एनी टू वर्ड प्रोसेसर। दो वर्ड प्रोसेसर के यहाँ पे हमें नाम लिखने हैं। नंबर 2, विच टैब इज द फर्स्ट टैब ऑन द रिवर। कौन सा टैब रिबन का फर्स्ट टैब होता है? रिबन के ऊपर फर्स्ट टैब कौन सा होता है? नंबर 3, ड्राइंग कैनवास इज प्रेजेंट एट विच पार्ट ऑफ द स्क्रीन। ड्राइंग कैनवास स्क्रीन के कौन से पार्ट पर प्रेजेंट रहता है? नंबर 4, राइट द फुल फॉर्म ऑफ www। इसका हमें फुल फॉर्म लिखना है। एंड नंबर 5, वेब पेज इज रिटन इन विच लैंग्वेज। वेब पेज किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग। इसके आंसर हमें 4, 5 या 6 सेंटेंस में देने होते हैं। नंबर 1, व्हाट इज द रोल ऑफ स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का क्या रोल है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्क्रॉल बार आर प्रेजेंट इन ए विंडो। विंडो में कितने प्रकार के स्क्रॉल बार प्रेजेंट रहते हैं? नंबर 2, व्हाट कैन वी डू विथ एमएस वर्ड प्रोग्राम। हम एमएस वर्ड प्रोग्राम के साथ क्या कर सकते हैं, या हम एमएस वर्ड प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं? नंबर 3, नेम एनी 4 टूल्स इन TuxPaint। TuxPaint के कोई भी 4 टूल्स के नाम यहाँ पर हमें लिखने हैं। नंबर 4,
राइट एनी थ्री यूजेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के कोई भी तीन उपयोग क्या यूज करते हैं उसका हम उपयोग हमें लिखना है. एंड नंबर फाइव, राइट द स्टेप टू ओपन एमएस वर्ड 2010. एमएस वर्ड 2010 को ओपन करने के क्या स्टेप होते हैं वो हमें यहाँ पर स्टेप लिखने हैं. तो आज के लिए इतना ही. आई होप आपको यह वीडियो पसंद आए. अगर आपके बच्चे का एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी एनुअल एग्जामिनेशन, तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस एक बार अवश्य उनसे करवाएं और देखें कि उसकी तैयारी कैसी है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए. और साथ ही आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं. थैंक यू.